वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में डेप्रिसिएशन का ओवरव्यू एक लेंगे और इसमें हम ब्रीफली कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, फिर डेप्रिसिएशन के मेथड्स पे बात करेंगे, डेप्रिसिएशन का चार्ज जो है इसकी टाइमिंग और इसकी अमाउंट और कहाँ रिकग्नाइज करना चाहिए, फिर अगर डेप्रिसिएशन मैथड यूजफुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू में चेंज आ जाए तो उसे कैसे अकाउंट फॉर करना है, अकाउंटिंग एंट्री लेजर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स पर बात करेंगे और कुछ कैलकुलेशन की टिप्स पर बात करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट की अगर बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन जो है उसके पीछे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है मैचिंग का। तो डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस बनाया जाता है कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट के साथ मैच करते हैं, ताकि जो एक नॉन करंट एसेट से हमें बेनिफिट आ रहा है उसकी ऑनरशिप से, उसके कंट्रोल से, लेट से ओवर 10 ईयर्स हमें बेनिफिट मिलेगा उस इस्तेमाल करके। एक प्लांट हमने खरीदा, उससे 10 ईयर्स प्रोडक्शन करेंगे, 10 ईयर्स उससे रेवेन्यू क्रिएट होगा, तो उस रेवेन्यू के अगेंस्ट जो उस प्लांट की कॉस्ट है किसी एक साल में एक्सपेंस नहीं बनानी चाहिए, बल्कि ओवर 10 ईयर्स उसको एक्सपेंस बनाना चाहिए, ताकि 10 ईयर्स के रेवेन्यू के अगेंस्ट 10 ईयर्स का जो एक्सपेंस रिकॉर्ड हो और मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम एक प्रॉपर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकें। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है फुल कॉस्ट, क्योंकि हमने अल्टीमेटली तो देखें जितने भी नॉन करंट एसेट हैं उनको हमने एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर ही लेना होता है ओवर देयर यूजफुल लाइफ। तो जो रेजिडुअल वैल्यू बच जाती है उसके अलावा बाकी सारी अमाउंट को हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो इन इफेक्ट कॉस्ट ऑफ एसेट जो है उसको हम आहिस्ता आहिस्ता एसेट से ट्रांसफर कर रहे होते हैं एक्सपेंस के तौर पे, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में उसकी वैल्यू कम होती जाती है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस रिकॉर्ड होता जाता है। और ये अक्सर कई साल तक होता है, बाजू का जो बिल्डिंग वगैरह हैं उनकी तो 50 साल 60 साल तक की लाइफ भी हो सकती है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेप्रिसिएशन के बारे में आपने ये ध्यान में रखना है कि डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू के डिक्रीज का नाम नहीं है। डेप्रिसिएशन जो है वो सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट है, यानी मैचिंग कॉन्सेप्ट के लिए ओवर द पीरियड एक अमाउंट की एलोकेशन है। ज़रूरी नहीं कि अगर आप 10,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि एसेट की वैल्यू में 10,000 की कमी हो गई है। एसेट की वैल्यू में कमी का जो कॉन्सेप्ट है वो इम्पेयरमेंट कहलाता है, और उसके लिए हम IS-36 का स्टैंडर्ड कवर करेंगे। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट हैं कि बाज़ औक़ात कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनके सिग्निफिकेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे एक एयरक्राफ्ट है तो उसका इंजन डिफरेंट है, उसका इंटीरियर अलग है, उसका एयर फ्रेम अलग है, तो हर पार्ट जो सिग्निफिकेंट होता है उसकी डेप्रिसिएशन सेपरेट चार्ज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक एयरक्राफ्ट में इंजन और एयर फ्रेम जो है उसकी जो डेप्रिसिएशन है वो अलग अलग चार्ज करना अप्रोप्रिएट हो सकता है। और ये अलग अलग चार्ज करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंजन की लाइफ बाज़ औक़ात आर्थ में होती है, एयर फ्रेम की लाइफ डिफरेंट होती है जैसे 10 साल 15 साल, और इंटीरियर जैसे एयरलाइनर होते हैं तो उसमें लाइफ कम होती है जैसे 3, 4 या 5 साल तक। तो आप अगर पूरे प्लेन को 25 ईयर्स या 15 ईयर्स पर डेप्रिशिएट कर देंगे तो वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा। इसी तरह पूरे एरोप्लेन को अगर आप 5 ईयर्स पर डेप्रिशिएट करेंगे तो वो भी अप्रोप्रिएट नहीं होगा, क्योंकि उसमें से एक सिग्निफिकेंट पार्ट ऐसा है जिसकी लाइफ डिफरेंट है। तो लैंड और बिल्डिंग में खासतौर पर इस बात का ख्याल रखना है कि लैंड बिल्डिंग बाज़ौक़ात कंबाइन भी दिए होते हैं, आप कंबाइन प्रेजेंट तो कर सकते हैं लेकिन ये IS-16 में मेंशन है कि ये सेपरेबल एसेट्स हैं, इनको सेपरेटली अकाउंट फॉर करना चाहिए। और इवन जब आपने लैंड और बिल्डिंग को इकट्ठे खरीदा है तब भी आपने लैंड और बिल्डिंग को अलग अलग कंसीडर करना है। और इसके पीछे लॉजिक ये है कि लैंड जो है वो फ्री होल्ड होती है मोस्टली, तो उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होनी होती, जबकि बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन चार्ज होनी होती है, उसकी एक लिमिटेड यूजफुल लाइफ होती है, तो इस वजह से लैंड और बिल्डिंग को सेपरेट कंसीडर करना पड़ता है। नेक्स्ट हम कुछ डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। तो डेप्रिसिएशन की जो डेफिनेशन है वो है सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। अब सिस्टमैटिक एलोकेशन का मतलब क्या है? सो सिस्टमैटिक एलोकेशन बेसिकली आपका डेप्रिसिएशन मेथड होता है, जैसे हर साल इक्वल अमाउंट का एक्सपेंस बनाना, ये एक सिस्टम है, सिस्टमैटिक एलोकेशन है, और इसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। इसी तरीके से अगर आप समझते हैं कि एसेट का जो है शुरू में इस्तेमाल ज़्यादा होगा और बाद में उसकी एफिशिएंसी कम होती जाएगी, इस्तेमाल कम हो रहा होगा, तो आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ करते हैं, तो वो भी एक सिस्टमैटिक एलोकेशन है। यानी ये नहीं है कि अपनी मर्जी की वैल्यू होती है, एक सिस्टम है उसके मुताबिक वैल्यूज कैलकुलेट की जाती हैं। अच्छा, फिर इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट है डेप्रिशिएबल अमाउंट, और तीसरा कॉन्सेप्ट है यूजफुल लाइफ।
तो इनफैक्ट हम एसेट की पूरी कॉस्ट को डेप्रिशिएट नहीं कर रहे होते, क्योंकि जो उसमें से बाकी बच जाना है यानी रेजिडुअल वैल्यू, वो तो बाकी बच जाएगा, उसको तो एक्सपेंस नहीं बनना चाहिए। तो रेजिडुअल वैल्यू के अलावा जो अमाउंट होती है उसे हम डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट की डेफिनेशन है कि ये कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू होती है। अब रेजिडुअल वैल्यू प्रिसाइजली क्या है? अच्छा, बहुत सारे एसेट में तो रेजिडुअल वैल्यू निल होती है, तो इन दैट सिचुएशन कॉस्ट और डेप्रिशिएबल अमाउंट सेम भी हो सकती है। रेजिडुअल वैल्यू की डेफिनेशन है कि एसेट ऑफ एन एसेट इज एस्टिमेटेड अमाउंट, तो ये अंदाजे से ली जाती है, क्योंकि एक यूजफुल लाइफ के एंड पर एसेट की हालत क्या होगी वो अंदाजा ही लगाना पड़ता है। दैट एन एंटिटी वुड करंटली ऑब्टेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ एसेट आफ्टर डिडक्टिंग द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इफ द एसेट वर ऑलरेडी ऑफ द एज एंड इन द कंडीशन एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। इस डेफिनेशन में तीन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। जो आपने रेट और प्राइसेस यूज करनी है वो आज वाली करनी है, लेकिन एसेट की हालत वो एस्टिमेट करनी है जो उसकी यूजफुल लाइफ के एंड पर होगी। और रेजिडुअल वैल्यू का मतलब है कि स्क्रैप वैल्यू, जितने की चीज आपकी सेल होगी उसमें से लेस कर देना अपने डिस्पोजल कॉस्ट, जैसे सेल करते हुए कोई कमीशन वगैरह देना पड़ेगा तो वो नेट कर दें, तो आफ्टर डिडक्टिंग द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। तो ये इस डेफिनेशन में ये तीन कंसिडरेबल पॉइंट हैं जिन्हें ध्यान में रखना। फिर हम बात करते हैं यूजफुल लाइफ की। तो यूजफुल लाइफ ईयर्स में भी होती है, जैसे पीरियड ओवर विच एन एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर यूज बाय एन एंटिटी, जैसे आप कहते हैं कि 5 साल, 8 साल, 10 साल। और बाज़ औक़ात यूजफुल लाइफ जो है वो हो सकता है टाइम बेस्ड ना हो, वो किसी और यूनिट्स में हो, जैसे नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट, के जी 10,000 यूनिट्स या 10,000 आवर्स, तो इस तरीके से भी हो सकती है, या जी इसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी जो है वो है 50,000 किलोमीटर, तो इस तरीके से कुछ और यूनिट भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि यूजफुल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ में फ़र्क होता है। एक एसेट अपनी पूरी लाइफ में मुख्तलिफ लोग मिलकर उसे जो यूज़ करते हैं वो इकोनॉमिक लाइफ होती है। एक एंटिटी उसको कितना यूज़ करना चाहती है, इंटेंशन क्या है उसकी यूज़ करने की, वो यूजफुल लाइफ है। सेम एसेट की यूजफुल लाइफ डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट कंपनीज के अंदर। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो एक व्हीकल खरीदती है और उनका इरादा ये है कि इसको 15 साल इस्तेमाल करके फिर सेल करेंगे। एक जो होटल है वो अपने कस्टमर्स के लिए एक लेते हैं ताकि एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप उनको ऑफर कर सकें। वो कहते हैं जी हमें तो हर वक्त नई गाड़ी रखनी होती है, हम 3 साल के बाद गाड़ी रिप्लेस कर देंगे, तो उनके लिए यूजफुल लाइफ 3 ईयर्स है। एक कॉलेज जो है वो अपने स्टाफ के लिए पिक एंड ड्रॉप के लिए लेता है एक गाड़ी, तो वो लेट्स से उनकी इंटेंशन है कि जी 6 ईयर्स यूज़ करेंगे, उसके बाद सेल कर देंगे। 6 ईयर्स तक वो यूज़ करना चाह रहे हैं, उसके बाद वो समझते हैं कि क्योंकि मेंटेनेंस ज़्यादा हो जाएगी तो प्रॉब्लम आएगा उनके लिए, तो वो कहते हैं कि जी हम उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, हम 6 ईयर्स के। सेम हो सकता है टाइप ऑफ एसेट हो, सेम व्हीकल हो, लेकिन मुख्तलिफ एंटिटीज उसको अपने अपने सिचुएशन और सर्कमस्टांसिस के मुताबिक डिफरेंट टाइम पीरियड में यूज़ करना चाहते हैं। एक्युमुलेटिव डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी डेप्रिसिएशन एक नॉन करंट एसेट पर अब तक टोटल चार्ज हो चुकी होती है उसे क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन कहते हैं। जब एसेट की कैरिंग अमाउंट की बात होती है तो वो कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटिव डेप्रिसिएशन से कैलकुलेट होती है। इसे नेट बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहते हैं। और इस अमाउंट पे यानी कैरिंग अमाउंट पे या नेट बुक वैल्यू पे या रिटर्न डाउन वैल्यू पे एक एसेट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन के अंदर प्रेजेंट किया जाता है। डेप्रिसिएशन मेथड्स की बात करें तो बहुत सारे डेप्रिसिएशन मेथड्स हैं, लेकिन जो तीन डेप्रिसिएशन मेथड स्टैंडर्ड में स्पेसिफिकली मेंशन हैं वो हैं स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस और सम ऑफ यूनिट मेथड। इसके अलावा सम ऑफ डिजिट मेथड भी काफ़ी पॉपुलर है। अच्छा, ये मेथड यहाँ पर हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि आप लोगों ने एक्सपेक्टेड है कि इसके डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया हुआ होगा। तो अगर आपको रेट कैलकुलेट करना पड़े तो उसका फार्मूला भी यहाँ पर गिवन है कि कॉस्ट माइनस, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करते हैं जिसमें हर साल सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। अच्छा, इसे स्ट्रेट लाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप इसका ग्राफ बनाएं तो हर साल क्योंकि बराबर डेप्रिसिएशन है तो एक सीधी सी लाइन बन जाएगी, इसलिए इसे स्ट्रेट लाइन मेथड या इक्वल एक्सपेंस मेथड भी कहा जाता है। तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाई कॉस्ट इंटू 1 बाई यूजफुल लाइफ, इससे आपका रेट निकल आएगा। इसमें जब आपने रेट अप्लाई करना होता है तो वो कॉस्ट पे करना होता है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो है इसकी लॉजिक ये है कि जब एक एसेट नया होता है तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता। खास तौर पे प्लांट एंड मशीनरी की बात करें तो वो पुराने होते जाते हैं, तो उनकी एफिशिएंसी, उनका यूज है, उनसे हासिल होने वाला रेवेन्यू रिड्यूस होता जाता है।
इसलिए शुरू के सालों में ज्यादा डेप्रिसिएशन और बाद के सालों में कम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट की बेस पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वर्क करता है। इसमें रेट कैलकुलेट करने का फार्मूला है, मोस्टली रेट गिवन होता है, तो आपने जब रेट लगाना है तो वो नेट बुक वैल्यू पे लगाना है, कॉस्ट पे नहीं लगाना। फिर सम ऑफ यूनिट मेथड है, इसे यूजेज मेथड भी कहते हैं। इस मेथड में जितना एसेट यूज होगा उतनी ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। इस मेथड में इवन पॉसिबल हो सकता है कि जीरो डेप्रिसिएशन हो, क्योंकि अगर एसेट यूज नहीं होगा तो उसकी डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं होगी। तो इसमें बेसिकली पर यूनिट रेट निकाल लिया जाता है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मेथड की डेप्रिसिएशन भी वैसे तो कैलकुलेट हो सकती है, यूनिट के बजाय अगर ईयर ले लें तो उसकी निकल आएगी, यूनिट्स ले लेंगे तो पर यूनिट आ जाएगी। तो यूनिट को रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास किसी भी पीरियड की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। इसमें जितना यूजेज होगा उस हिसाब से डेप्रिसिएशन होगी, तो ओवर द ईयर डेप्रिसिएशन बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। सम ऑफ डिजिट मेथड तकरीबन वैसा ही रिजल्ट देता है जैसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड देता है। एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं होती, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट भी यही होता है कि शुरू के सालों में ज्यादा डेप्रिसिएशन और ग्रेजुअली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम होता जाना चाहिए, क्योंकि ये एक एक्सपेक्टेशन होती है कि एसेट की एफिशिएंसी शुरू के सालों में ज्यादा है और बाद के सालों में वो एफिशिएंसी कम होती जाएगी। तो इसमें जो एक एसेट की लाइफ अगर 5 ईयर है तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा 15। तो ये सम ऑफ डिजिट कर दिया जाता है, इसलिए इसे सम ऑफ डिजिट मेथड कहते हैं। तो पहले साल आप डेप्रिसिएशन जो है वो डेप्रिशिएबल अमाउंट का 5/15, नेक्स्ट ईयर 4/15, उससे नेक्स्ट ईयर 3/15, फिर 2/15 और लास्ट ईयर में 1/15। तो ग्रेजुअली जो है आपकी डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस जो है वो कम होता जा रहा होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा यूज करना चाहिए। तो ये कोई ऐसी च्वाइस नहीं है कि जी आपका जो दिल कर रहा है वो मेथड आप यूज कर लें। तो एंटिटी वो मेथड सेलेक्ट करती है, IAS 16 की रिक्वायरमेंट है, जो क्लोजली रिफ्लेक्ट करता हो एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन ऑफ द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एम्बॉडेड इन द एसेट। यानी अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक एसेट का इस्तेमाल और उससे होने वाला फायदा ओवर द यूजफुल लाइफ एक जैसा रहेगा तो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना चाहिए। अक्सर जो बिल्डिंग वगैरह होती है उनके लिए ये मेथड सूटेबल होता है। इसी तरीके से अगर एक प्लांट एंड मशीनरी है तो आप समझते हैं कि शुरू में उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, ग्रेजुअली कम होती जाएगी, तो उसके लिए आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करेंगे। तो उसके लिए शायद ज्यादा सूटेबल प्लांट एंड मशीनरी के लिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो ये हर एंटिटी अपनी सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जो है एक अपना डेप्रिसिएशन मेथड चूज करती है। जो भी मेथड आप चूज करते हैं वो आपने कंसिस्टेंटली अप्लाई करना होता है, और नॉर्मल तो यही है कि आप उसे चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप समझते हैं कि जो पहले आपका एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन था वो अब आकर चेंज हो गया है, तो आप डेप्रिसिएशन मेथड का चेंज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे रिकॉर्ड करना है। तो ऐसा पॉसिबल है कि पहले आपका ये अंदाजा था कि ओवर द पीरियड एसेट से एक जितना फायदा आप इस लेंगे, लेकिन 2-3 साल इस्तेमाल के बाद आपको अंदाजा हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता एसेट से हासिल होने वाला फायदा कम होता जा रहा है। तो पहले आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे थे, अब एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन जो है वो आपको नजर आ रहा है कि चेंज हो रहा है, तो अब आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, एंड इवन वाइस वर्सा इज पॉसिबल। डेप्रिसिएशन चार्ज की बात करें तो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो कहाँ रिकग्नाइज की जाती है, तो इसको रिकॉर्ड हम करते हैं प्रॉफिट और लॉस में। ये तो डिफॉल्ट ट्रीटमेंट हो गई, अनलेस इट इज इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एनदर एसेट। अब किसी और एसेट में कैसे शामिल कर सकते हैं? बाद अवकात ये होता है कि आपके पास एक मशीनरी है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और आप उसको अपने ऑफिस बिल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ऑफ उस मशीनरी की डेप्रिसिएशन अब एक्सपेंस नहीं बननी चाहिए, क्योंकि वो रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, वो मशीनरी इस्तेमाल हुई है एक ऑफिस बिल्डिंग बनाने के लिए। तो उस डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस बनाने के बजाय ऑफिस बिल्डिंग की जो कॉस्ट है उसके अंदर उसको कैपिटलाइज कर देंगे। तो बेसिक रूल तो यही है कि प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस आप बनाते हैं, लेकिन अगर एक एसेट दूसरे एसेट को बनाने में इस्तेमाल हो रहा हो तो फिर वो उस दूसरे एसेट की कॉस्ट के अंदर उसकी डेप्रिसिएशन कैपिटलाइज कर दी जाती है और उसको डायरेक्ट प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस नहीं बनाया जाता। फिर एक इंपॉर्टेंट परस्पेक्टिव है डिफरेंट स्टैंडर्ड के पॉइंट्स और जनरल अंडरस्टैंडिंग से ये हमने कंपाइल किया है कि जीरो एक्सपेंस कब हो सकता है डेप्रिसिएशन का। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि जहां यूजेज मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हो, तो जिस पीरियड में कोई प्रोडक्शन नहीं होगी, कोई यूजेज नहीं होगी एसेट की, तो तब आपकी डेप्रिसिएशन भी जीरो हो सकती है। इसी तरीके से फ्री होल्ड लैंड को डेप्रिशिएट नहीं करते क्योंकि उसकी इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ होती है। हाँ, ये ध्यान में रखना है कि लीज होल्ड लैंड को डेप्रिशिएट किया जाता है। आपने एक लैंड ली हुई है 25 साल की लीज पे, तो उसे ओवर 25 ईयर्स आपको एक्सपेंस बनाना चाहिए। फिर लैंड में इस बात का ख्याल भी रखना है कि लैंड इंप्रूवमेंट्स को डेप्रिशिएट किया जाता है। अब लैंड इंप्रूवमेंट क्या होती है, जैसे आपने एक लैंड प्लॉट ऑफ लैंड है उसके ऊपर अगर आप रोड बना देते हैं, सेवरेज का सिस्टम बना देते हैं,
ट्रैफिक लाइट्स वगैरह की इंस्टॉलेशन के लिए उसके अंदर अंडरग्राउंड वायरिंग करवा देते हैं, तो वो जो एक्सपेंडिचर आपने किया उसकी तो एक लाइफ है। सीवरेज का सिस्टम भी कोलैप्स कर जाता है 40 साल 50 साल के बाद, इसी तरह रोड भी जो है वो अल्टीमेटली बिल्कुल ख़त्म और ख़राब भी हो जाते हैं। तो उसकी जो भी आपकी यूजफुल लाइफ है जो आप एस्टिमेट कर रहे हैं, उस हिसाब से उसको जो लैंड इंप्रूवमेंट्स हैं उनको डेप्रिशिएट करेंगे, लैंड इटसेल्फ नहीं। तो लैंड पे अगर आपने इंप्रूवमेंट की हुई है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है इंप्रूवमेंट की उसको डेप्रिशिएट करें ओवर यूजफुल लाइफ, और जो बाकी लैंड है वो आप डेप्रिशिएट ना करें। अगर फ्री होल्ड है, लीज होल्ड है, तो उसको भी डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने सोचा एक एसेट की यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है, 5 साल पूरे हो गए, वो फुली डेप्रिशिएट भी हो गया, वो उसकी कॉस्ट भी वही है, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन भी होती है, लेकिन हम एसेट को अभी भी यूज़ किए जा रहे हैं, तो ऐसे एसेट की भी फर्दर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। हालांकि स्टिल इन यूज होगा, लेकिन वो क्योंकि फुली डेप्रिशिएट ऑलरेडी हो चुका है तो उसकी फर्दर डेप्रिसिएशन जीरो होगी। इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि बाज़ औक़ात प्राइसेस बढ़ जाती हैं, महंगाई वगैरह हो जाती है, तो जो रेजिडुअल वैल्यू होती है वो हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं कि वो तो हमारी जो कॉस्ट है या कैरिंग अमाउंट है उससे भी ज़्यादा होगी। तो इस वक्त हमारा एसेट जितने का शोर है, हम कहते हैं जी 5 लाख का शोर है, और रेजिडुअल वैल्यू जो है उसकी के सेल हुआ तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 7-8 लाख रुपए का सेल हो जाएगा, तो फिर तो उसकी देखें नेगेटिव में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, उसकी जीरो डेप्रिसिएशन ही चार्ज हो। डेप्रिसिएशन कब से चार्ज करना शुरू करनी चाहिए? डेप्रिसिएशन तब से चार्ज करना शुरू करनी चाहिए जब एसेट अवेलेबल फॉर यू हो। किस हालत में? यानी एट द लोकेशन एंड कंडीशन जिसमें मैनेजमेंट की इंटेंशन थी कि उसको वो यूज करना चाहते हैं। अब बाज़ औक़ात एसेट अवेलेबल फॉर यूज पहले हो जाता है और उसको जो एक्चुअल यूज हम करना शुरू करते हैं वो बाद में करते हैं। जैसे हम कहते हैं जी एक बिल्डिंग कंप्लीट हमारी हो गई 1 जुलाई को, लेकिन हमने बिल्डिंग में शिफ्ट हुए 1 अगस्त को, तो जुलाई का एक महीना ऐसा था जिसमें हम बिल्डिंग को एक्चुअली यूज नहीं कर रहे थे, हालांकि वो अवेलेबल फॉर यूज थी। तो डेप्रिसिएशन तो 1 जुलाई से ही चार्ज होना शुरू हो जाएगी, चाहे आप एसेट को एक्चुअली यूज ना कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन कब खत्म कर देते हैं हम चार्ज करना? जब एसेट डीरेकग्नाइज हो जाए या डिस्पोज ऑफ हो जाए। तो डीरेकग्निशन के अंदर हम इस कॉन्सेप्ट को मजीद डिस्कस करेंगे। अच्छा, एसेट अगर फारिग भी पड़ा हो तो यूजेज बेसिस में तो उसकी डेप्रिसिएशन जीरो होगी, लेकिन टाइम बेसिस पर अगर एसेट फारिग भी पड़ा हुआ है, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, स्टिल एसेट की डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी, चाहे आप उसे इस्तेमाल कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड, तो कब चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड अलाउड है? जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया, अगर आप ये समझते हैं कि उससे फेयर प्रेजेंटेशन है, हमने एक एसेट के बारे में सोचा कि इससे हमें हर साल एक जितना बेनिफिट होगा, हमने स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, 2-3 साल इस्तेमाल करने के बाद हमारे सामने जो डाटा है उसमें नज़र आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता एसेट की परफॉर्मेंस कम होती जा रही है, और ये फेयर नहीं है कि उस पर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ किया जाए, उसके लिए ज़्यादा बेहतर ये होगा कि हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या सम ऑफ डिजिट मेथड यूज़ करें। तो अब हम डेप्रिसिएशन मेथड चेंज कर सकते हैं क्योंकि सिचुएशंस डिफरेंट आ गई हैं, हमारा जो एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन है वो डिफरेंट आ रहा है, तो हमें उसके मुताबिक उस हिसाब से मेथड को यूज़ करना चाहिए। तो सिर्फ जस्ट ये कि हम बोर हो रहे हैं और एक मेथड अरसे से चल रहा है उसको चेंज करना चाहते हैं, ये लॉजिक नहीं हो सकती। ये जो डेप्रिसिएशन मेथड है इसे आप जब चेंज करेंगे तो ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट कंसीडर होगा, क्योंकि ये हमारा अंदाजा ही होता है कि कौन सा डेप्रिसिएशन मेथड है। हमारा अंदाजा होता है कि एसेट से एक जैसा बेनिफिट हासिल होगा, हमारा अंदाजा होता है, एस्टिमेट होता है कि एसेट से ओवर द लाइफ उसका जो है बेनिफिट है वो कम होता जाएगा। तो जो भी हम मेथड यूज कर रहे होते हैं वो हमारा एक एस्टिमेट के ऊपर ही बेस कर रहा होता है, तो ये चेंज इन पॉलिसी नहीं है, ये चेंज इन एस्टिमेट है। अब ट्रीटमेंट क्या है? जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको डेप्रिसिएशन मेथड के चेंज को अकाउंट फॉर करना पड़ रहा हो, तो उसमें आपने ये करना है कि जो उसकी रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट है उसको राइट ऑफ करें, यानी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बनाएं ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कमेंसिंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ पीरियड इन विच द चेंज इज मेड, यानी जिस साल में आप चेंज करें उस साल से के स्टार्ट से चेंज करें। तो एस्टिमेट का चेंज ये नहीं होता कि जी आप साल के एंड पर सोच रहे हैं तो फिर साल के एंड से ही करें, जब आपको पता चल गया है कि एक ऐसा डिफरेंट वे में यूज हो रहा है तो साल के शुरू से ही आप वो वाली उसकी अकाउंटिंग शुरू कर देते हैं, अलबत्त प्रीवियस ईयर की डेप्रिसिएशन को चेंज करने की जरूरत नहीं होती। इसी तरीके से यूजफुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू भी एस्टिमेट होती हैं और इनको रिव्यू करना चाहिए। IAS 16 की रिक्वायरमेंट है कि यूजफुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू जो है उन्हें हर रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पर रिव्यू करना चाहिए, और अगर एक्सपेक्टेशन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हो जाए प्रीवियस एस्टिमेट से तो हम रिवाइज करते हैं। अच्छा, उसमें भी वंस अगेन हम बेशक ये रिव्यू ईयर एंड पे कर रहे होते हैं, अगर हमारे सामने आता है कि जी यूजफुल लाइफ चेंज हो गई है या रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो गई है, तो उसको साल के शुरू से इंप्लीमेंट कर देते हैं। इसकी नेचर ऑफ चेंज भी यही है कि ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, और ट्रीटमेंट भी सेम ही है
कि आपने जो रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट है उसको रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के हिसाब से डेप्रिशिएट करना शुरू कर देना, और प्रीवियस ईयर में जो चार्ज हो गई उसको एज इट इज रहने दें, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। जिस ईयर में एस्टिमेट चेंज हो रहा है उसके स्टार्ट से आप न्यू एस्टिमेट अप्लाई कर देंगे। अकाउंटिंग एंट्री बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अच्छा, इस एंट्री की लॉजिक ये है कि एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि हमारा एसेट कम होगा। अब एसेट को डायरेक्टली कम करने के बजाय, डायरेक्ट एसेट को क्रेडिट करने के बजाय, हम एक अलग अकाउंट बना देते हैं जिसका नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और एसेट के बजाय उसको क्रेडिट कर देते हैं। अच्छा, इसकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की नेचर है वो कॉन्ट्रा एसेट की नेचर है, यानी एसेट का अपोजिट अकाउंट। जैसे रिसीवेबल में से बैड एंड डाउटफुल डेट लेस करते हैं तो वो कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है, और इसी तरीके से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का जो है कॉन्ट्रा अकाउंट है, यानी इसमें जो कह लें कि एसेट कम हो रहा होगा तो ये अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा। लेजर बनाएं तो नॉन करंट एसेट के लेजर में ओपनिंग बैलेंस, एडिशन डेबिट होते हैं, डिस्पोजल से क्रेडिट हो जाएगा और फिर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। इसी तरीके से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो टी अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से बढ़ जाती है बैलेंस, डिस्पोजल में ट्रांसफर हो जाती है और फिर कैरी डाउन बैलेंस। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है इटसेल्फ, वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वजह से। अगर एंट्री वाइज देखें तो देखें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो ये इम्पैक्ट है। प्रॉफिट और लॉस में फिर हम इसको शो करते हैं, तो डेप्रिसिएशन भी शो होती है, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल भी शो होता है। इसी तरीके से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट नेट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन शो होता है कैरिंग अमाउंट पे, यानी नेट बुक वैल्यू पर, और ये फिगर्स हमें जो रेलिवेंट लेजर अकाउंट से भी मिल जाती हैं। लाइक डेप्रिसिएशन अकाउंट से वो अमाउंट मिल जाएगी जो प्रॉफिट और लॉस में गई, एसेट अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बेसिकली इन एक्सट्रैक्ट्स के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। अब डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन, बाद का आसान क्वेश्चन होते हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं होता, हम बड़े आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे डिस्पोजल हों, एडिशन हों, और फिर जो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी हो, तो वहां पे कैसे कैलकुलेशन करें, तो ये एक क्वेश्चन है अल्फा एंटरप्राइजेस का। इसको आप वैसे भी ट्राई करें, अच्छा क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन की अंडरस्टैंडिंग के लिए, और अदरवाइज भी आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें बेसिकली आपने जो करना होता है, सबसे पहले आप ओपनिंग एसेट्स लेते हैं, उसमें से जो डिस्पोज ऑफ हुए हैं उनको अलग कर देते हैं, और टोटल में से डिस्पोज ऑफ वालों को अलग कर देंगे तो बाकी आपको रिमेनिंग पता चले। तो एक तो ओपनिंग एसेट्स में से आपने डिस्पोज को अलग कर देना है और अदर को अलग कर देना, फिर एडिशन सेपरेट ले लें। बेसिकली आप तीन कैटेगरीज बना रहे हैं। तो एक डिस्पोज्ड एसेट, एक अदर एसेट और एक एडिशन वाले एसेट। जहां पे स्ट्रेट लाइन मेथड हो वहां तो आपको ये दो कॉलम नहीं बनाने पड़ेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और रिटर्न ऑन वैल्यू। कॉस्ट वाला कॉलम है, सीधा रेट लगाएं मंथ और ले लें। जहां रिटर्न ऑन वैल्यू हो तो कॉस्ट के साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ले लें उनकी ओपनिंग डेट की, यानी आप अगर 31 दिसंबर 2018 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो फिर आप 1 जनवरी 2018 की वैल्यूज लेंगे ये, तो वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लें, रिटर्न ऑन वैल्यू लें, रेट से मल्टीप्लाई करें, जितने मंथ वो एसेट आपके पास रहा डिस्पोजल तक उसको लें, एडिशन वाले को इसी तरह एडिशन से लेके ईयर एंड तक लें और फिर ले लें। अच्छा, जो अदर एसेट्स होते हैं उन पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, क्योंकि वो साल के पहले दिन से लेकर साल के एंड के दिन तक थे। अब सारी लॉजिक ही क्या है कि डिस्पोज्ड एसेट, एडिशन वाले एसेट और अदर एसेट्स को अलग अलग क्यों कर रहे हैं? अलग अलग सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि इनका टाइम पीरियड डिफरेंट है, और अगर हम इनको अलग अलग नहीं करेंगे तो टाइम पीरियड डिफरेंट होने की वजह से फिर हमारी कैलकुलेशन सही नहीं होंगी। तो सेपरेट कैलकुलेशन करने की लॉजिक ही सिर्फ ये है कि इनका टाइम पीरियड डिफरेंट है, कोई एसेट 5 महीने यूज हुआ है, कोई 9 महीने हुआ है, कोई 3 महीने हुआ है, कोई 10 महीने हुआ है, और जो अदर रिमेनिंग है वो पूरे 12 महीने हुए हैं। तो सबको आप एक लाइन में रख के डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर सकते, सेपरेट अलग अलग करके फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये आपका वो टोटल एक्सपेंस आ जाएगा
जो आपको प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस बनाना। तो इस तरह की वर्किंग, ये फॉर्मेट अगर आप फॉलो करें तो ये बहुत इफेक्टिव फॉर्मेट रहेगा। तो हाईली रिकमेंडेड है कि इसके ऊपर ही जो कम्प्लेक्स क्वेश्चन हों उनकी प्रैक्टिस इस फॉर्मेट के ऊपर करने की कोशिश करें। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें डिस्पोजल्स, एडिशंस और अदर एसेट्स कंबाइन आ जाएं, तो ये जो फॉर्मेट आप यूज़ करने से एग्जैक्ट और बेहतर कैलकुलेशन कर सकते हैं, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम पास्ट एग्जाम का एक क्वेश्चन कर रहे हैं स्प्रिंग 2018 की अटैम्प्ट से, रोज एंटरप्राइजेज, और ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है फ्रॉम I-16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो क्वेश्चन का डाटा है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू रोज एंटरप्राइजेज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। इसमें पहली इन्फॉर्मेशन में एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फैक्ट्री बिल्डिंग दी हुई है, यानी दो एसेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद सेकंड इन्फॉर्मेशन में एक्विजिशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्लांट दी हुई है, यानी थर्ड एसेट। और फिर कुछ अदर इन्फॉर्मेशन गिवन है जिसमें जिसको देख लेते हैं कि जी कॉस्ट ऑफ फ्री होल्ड लैंड इंक्लूड्स प्रॉपर्टी टैक्स एंड ट्रांसफर फी ऑफ 120,000 एंड 850,000 रिस्पेक्टिवली। तो बेस कॉन्सेप्ट तो ये है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये तो एनुअल टैक्स है, इसको तो एक्सपेंस बनना चाहिए, एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं होगा। लेकिन जो ट्रांसफर फी है, रजिस्ट्री की जैसे कॉस्ट होती है, तो वो लैंड की कॉस्ट में लाजमी शामिल होगी, वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है तो उसको इंक्लूड करेंगे। फैक्ट्री बिल्डिंग वॉज अवेलेबल फॉर यूज फ्रॉम 1 जुलाई 2017। फाइनल इनवाइस ऑफ 19 मिलियन स्टिल अनपेड, तो जो अमाउंट अभी तक अनपेड है उसको भी हमें कॉस्ट में शामिल करना चाहिए, और जब से ये अवेलेबल फॉर यूज है तब से इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन एंड इम्पोर्ट चार्जेज ऑफ प्लांट इंक्लूड एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम एंड इंश्योरेंस इन ट्रांजिट ऑफ 350,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। जो एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है ये एक रूटीन कॉस्ट है, इसको एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए तो इसको एक्सक्लूड रखेंगे। और जो इन ट्रांजिट होती है वो तो एसेट को लाने के लिए ज़रूरी होती है इंश्योरेंस, तो वो इंक्लूडेड ही रहेगी अगर एसेट की कॉस्ट में शामिल है, और अगर शामिल नहीं की तो अब कर देंगे। फिर है प्लांट स्टार्टेड ऑपरेशन ऑन 1 अगस्त 2017, रिमेनिंग अमाउंट वॉज पेड ऑन 31 अगस्त 2017। चलें जी, रिमेनिंग अमाउंट जब भी पे हुई लेकिन जो ऑपरेशन जब से स्टार्ट हुआ तब से इसकी डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे। फिर है ओल्ड प्लांट वॉज सोल्ड ऑन 1 सितंबर 2017 एंड इट्स रिटर्न ऑन वैल्यू एट इट्स रिटर्न ऑन वैल्यू +20%, यानी इस पर हमें गेन हुआ होगा डेफिनेटली डिस्पोजल पे, क्योंकि जो भी वैल्यू थी उससे ऊपर ही सेल कर रहे हैं। प्लांट वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015 एट अ कॉस्ट ऑफ 8.5 मिलियन। बिल्डिंग और प्लांट पर जो डेप्रिसिएशन है वो 5% और 10% रिस्पेक्टिवली चार्ज की जाती है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसको अप्लाई करते हुए क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देखते हैं। पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड डिस्पोजल ऑफ द ओल्ड प्लान। ये तो इस इंफॉर्मेशन से रिलेट कर रहा है सारा। और दूसरा है डिटरमिन रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट एज एट 31 दिसंबर 2017। इसमें तो हमें पूरी इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो पहले पार्ट ए के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जर्नल एंट्री हमने पास करनी है, फॉर्मेट बना लेते हैं जर्नल एंट्री का। तो डिस्पोजल की डेट है 1 सितंबर 2017। क्योंकि एसेट की हमें कॉस्ट तो उन्होंने बता दी कि 8.5 मिलियन है, सेल प्रोसीड्स नहीं बताई, वो भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, और रिटर्न डाउन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए कुछ वर्किंग करते हैं। कॉस्ट 88.5 मिलियन है और डेप्रिसिएशन का रेट 10% है, इसको ध्यान में रखते हैं। तो एसेट को एक्वायर किया था 2015 अप्रैल में, अप्रैल टू दिसंबर, क्योंकि जो ईयर एंड है वो दिसंबर का है, तो अप्रैल टू दिसंबर हमारे पास 9 मंथ्स बनते हैं, तो 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन पहले ले लेते हैं।
8500 10% 9 months, दैट वुड बी 638,000। उसके बाद हम 2016 की बात करते हैं, तो इसमें तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन ही चार्ज होगी पूरे 12 month की, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो लाजमी तौर पर 638 को माइनस करके कैलकुलेशंस करें। तो कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन निकाल कर फिर 10% लिया और पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन ले ली, 786 बनती है। और 2017 में जब हमने डिस्पोजल कर दिया है, तो हमने डिस्पोजल किया है जी 1 सितंबर 2017 को, तो जनवरी से लेकर अगस्त तक 8 months का टाइम बनता है, उसकी डेप्रिसिएशन हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो 638 और 786 दोनों की डेप्रिसिएशन निकाल कर 8 months की हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, 472। तो हमारे पास जो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो आ जाएगी 1896 की। बेस्ड ऑन दिस ऑब्वियसली हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ गई डिस्पोजल डेट पर, जो कि 6604 बनती है 8500 माइनस 1896 से। और गेन ऑन डिस्पोजल जो है वो क्वेश्चन में ये बताया गया है कि वो रिटर्न ऑन वैल्यू का 20% है, तो यानी हमारी क्योंकि रिटर्न ऑन वैल्यू 6604 है तो इसका 20% ले लेंगे 1321। और इट मीन्स के जो डिस्पोजल प्रोसीड्स हैं वो हैं 7925, क्योंकि रिटर्न ऑन वैल्यू प्लस गेन को मिला के। अब जब सारी अमाउंट्स हमारे पास आ गई हैं तो जर्नल एंट्री जो डेवलप करना है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा। तो आपने जो डिस्पोजल किया है उसके अगेंस्ट बैंक से पैसे आए होंगे या कैश में पैसे रिसीव हुए होंगे या रिसीवेबल होगा, तो वो तो रिकॉर्ड होगा आपका 7925 का, जो कि हमारी सेल प्रोसीड्स हैं। उसके बाद एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो हमें एलिमिनेट करनी होती है, क्रेडिट बैलेंस होता है ख़त्म करने के लिए डेबिट करनी होती है, तो वो हम करेंगे 1896 से जो कि हमने कैलकुलेट की थी। एसेट की जो कॉस्ट है वो हमें पता है, दैट इज 8500। ये क्वेश्चन में गिवन है फिगर इन थाउजेंड के हिसाब से। और गेन भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वरना एज अ बैलेंसिंग फिगर भी यहां पर गेन कैलकुलेट हो सकता है। तो गेन हमारे पास है 1321 का, जो कि ऑलरेडी हमने 20% की वैल्यू से निकाल ली है। तो जर्नल एंट्री जो डिस्पोजल पे पास होनी चाहिए वो हमारी कंप्लीट हो जाती है ऑन दिस बेसिस। तो ये पार्ट ए की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, दोनों साइड का टोटल भी 9821 हमारे पास इक्वल आ रहा है। अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं कि रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स की कैलकुलेट करनी है 31 दिसंबर 2017 को। तो जितने भी एसेट्स हमारे पास गिवन है उनको लेंगे। तो एज वी नोटिस प्रीवियसली कि हमारे पास तीन एसेट्स हैं, लैंड, फैक्ट्री बिल्डिंग और प्लांट। तो इन तीनों को फोकस कर लेते हैं और इनकी एक वर्किंग बना लेते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड फैक्ट्री बिल्डिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ फ्री है होल्ड लैंड परचेज विद ओल्ड बिल्डिंग स्ट्रक्चर 25,000। इस पे जो कॉस्ट ऑफ डेमोलिशन है ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग स्ट्रक्चर वो दी हुई है 1500, और प्रोफिट फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग 250। तो लैंड को ही काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए आपको पहले से 25,000 का परचेज करना पड़ा, फिर उसमें 1500 का जो है उसको डेमोलिशन पे लग गए और 250 उसमें से बच गया। तो जो 250 बच गए उसको 1500 में से हम नेट कर देंगे, तो 1250 की अमाउंट बेसिकली ली जाएगी। तो परचेज प्राइस 25,000 और डेमोलिशन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग पर जो हमारी अमाउंट लगी 1500 की, उसमें से 250 की प्रोसीड्स लेस करके
1250 की ये कॉस्ट भी ज़रूरी थी ताकि लैंड को काबिल इस्तेमाल बनाया जा सके। इसके बाद फी पेड टू एबीसी आर्किटेक्ट्स फॉर साइट प्लान एंड ड्राइंग्स 800। तो ये जो आर्किटेक्ट बेसिकली कंसल्टेंट के तौर पे जो आर्किटेक्ट फी हमने पे की है उनको, वो बिल्डिंग को बनाने के लिए ज़रूरी है तो बिल्डिंग की कॉस्ट के अंदर ऐड करेंगे। इसके बाद है एडवांस पेड टू क्वालिटी कंस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग 6000, और फर्दर पेमेंट टू क्यूसी यानी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, वो भी कंस्ट्रक्शन के लिए पेमेंट हुई है वो 35000 की। सो पेमेंट जो है वो चाहे एडवांस के तौर पे की गई हो या फिर बाद में की गई हो, वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो आपकी लग रही है तो उसको आप कैपिटलाइज करेंगे 41000। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन में डेटा सेट दिया हुआ है उसको हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो ये हमारे पास फिगर्स बनते हैं। इसके बाद है एक्विजिशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्लांट। इसमें सबसे पहले ये बताया हुआ है कि 25% कॉस्ट ऑफ द प्लांट एडवांस में पे की थी 4000, और इससे हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि बाकी अमाउंट प्लांट की कितनी बनती है। तो 25% एडवांस जो है दैट इज 4000, और बाकी जो 75% है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 4000 को डिवाइड कर दें 25 से और मल्टीप्लाई कर दें 75 से तो आपके पास आ जाएगा 12000। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एंड इंपोर्ट चार्जेज हैं 1250 के, ये भी एसेट की कॉस्ट में ऐड होने चाहिए। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और इंपोर्ट के बगैर जो प्लांट है उसने हमारे पास उस लोकेशन और कंडीशन में नहीं आना था जिसमें हम उसे यूज कर सकते। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन भी उसको कंडीशन में लाने के लिए ज़रूरी है, ये 400 की ये कॉस्ट भी शामिल करेंगे। तो ये सारी कॉस्ट प्लांट से रिलेटेड थी, सेकंड इंफॉर्मेशन को भी हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया। इसके बाद हमारे पास अदर इंफॉर्मेशन है, और अदर इंफॉर्मेशन में हम देखते जाते हैं सबसे पहले कॉस्ट ऑफ फ्री होल्ड लैंड इंक्लूड्स प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ 2017-18 एंड ट्रांसफर फी ऑफ 120000 एंड 850000 रिस्पेक्टिवली। तो जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये क्योंकि एक एनुअल कॉस्ट है, ये तो एसेट के अंदर कैपिटलाइज नहीं होनी चाहिए, इसको हम निकाल देते हैं, लेकिन जो ट्रांसफर फी है वो करेक्टली इंक्लूडेड है, उसको कोई एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेस कर देते हैं प्रॉपर्टी टैक्स जो शामिल है। ये ध्यान में रखें कि इसमें वर्ड यूज हुआ है इंक्लूड्स, तो यानी ये कॉस्ट के अंदर शामिल था ऑलरेडी 25000। सेकंड पॉइंट देखते हैं, फैक्ट्री बिल्डिंग वॉज अवेलेबल फॉर यूज फ्रॉम 1 जुलाई 2017, ये तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए यूज होगा, लेकिन फाइनल इनवाइस ऑफ 19 मिलियन इज स्टिल अनपेड। तो जो फर्दर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसको भी बिल्डिंग के अंदर शामिल कर लेंगे। थर्ड पॉइंट है कि ट्रांसपोर्टेशन एंड इंपोर्ट चार्जेस ऑफ प्लांट इंक्लूड एनुअल फायर इंश्योरेंस, ये तो शामिल नहीं होना चाहिए, एंड इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ये ठीक है क्योंकि ट्रांजिट जो है वो एसेट को लोकेशन पे लाने के लिए ज़रूरी है तो उसको इंक्लूड किया जाता है 350000 एंड 60000। तो जो एनुअल अमाउंट है उसको तो हम एक्सक्लूड कर देंगे प्लांट में से, लेकिन जो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है वो करेक्टली रिकॉर्डेड है तो उसकी एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी।
फिर है जी प्लांट स्टार्टेड ऑपरेशन ऑन 1 अगस्त 2017 और रिमेनिंग अमाउंट उसकी 31 अगस्त को पे हो गई थी, तो रिमेनिंग अमाउंट हम ऑलरेडी 75% उसकी ले चुके हैं, लेकिन उसके जो ऑपरेशन है वो 1 अगस्त से शुरू हुए, तो अगस्त से लेकर हमारे पास दिसंबर तक 5 मंथ्स का टाइम बनता है जो कि डेप्रिसिएशन के लिए यूज होगा। तो फैक्ट्री बिल्डिंग पर 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन होनी चाहिए और प्लांट के ऊपर 5 मंथ्स की डेप्रिसिएशन होनी चाहिए। तो अब डेप्रिसिएशन का ही डाटा बाकी बचता है, और बिल्डिंग के लिए जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो 5% है और प्लांट के लिए 10% है। तो डेप्रिसिएशन के डाटा को इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो लैंड की कैलकुलेशन करेंगे आप, 25,000, 1250, 120 लेस हो जाना है। इसी तरह बिल्डिंग में 841,000 और 19,000, 60800। प्लांट के अंदर इनिशियल अमाउंट्स हैं 350 लेस कर देना है, 17,300। ये वो अमाउंट्स हैं जो हम ओरिजिनली कैपिटलाइज करेंगे, इसमें से फिर हमने 2017 की जो डेप्रिसिएशन है वो लेस करनी है। लैंड के ऊपर तो कोई डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली चार्ज नहीं होगी। बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग के ऊपर जो वैल्यू है उस पर 5% के हिसाब से जुलाई से दिसंबर 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन बनती है, दैट वुड बी 1520। और प्लांट क्योंकि जो 1 अगस्त से ऑपरेट हो रहा है तो 5 मंथ्स की डेप्रिसिएशन बनती है, 10% का रेट है, तो 17,300 पे 10% के हिसाब से 5 मंथ्स की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लेते हैं, दैट इज 721। तो कॉस्ट जो हमने कैपिटलाइज की उनमें से जब हम निकाल लेंगे डेप्रिसिएशन तो हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगी, जिसे हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के तौर पर रिफ्लेक्ट करेंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो लैंड तो 26130 पर ही शो होगी, बिल्डिंग जो है वो नेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगी 59280 पे, और इसी तरीके से जो प्लांट है वो नेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा 16579 पे। तो ये क्वेश्चन की जो सेकंड रिक्वायरमेंट थी कि हम रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट 31 दिसंबर 2017 कैलकुलेट करें, तो रिटर्न डाउन वैल्यू के लिए कॉस्ट जो कैपिटलाइज होनी है वो भी लेनी पड़ेंगी, और उसमें से जो डेप्रिसिएशन लेस होनी चाहिए उसको भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टूडे, हैव अ गुड डे।